हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की सीरीज चल रही थी, उसके साथ में बीच में मैं कुछ और भी वीडियो आपको देता रहूंगा, कैसे मैं कुछ और वीडियो भी डालता रहूंगा, साथ में फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की भी वीडियो में साथ में देता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है कि इस पूरे ड्रम को, जो आप ये वाला जो ड्रम देख रहे हैं जिसमें हमारा गियर बॉक्स वगैरह और हमारा ड्रेन पाइप वगैरह टोटल हमारा असेंबल रहता है, तो इस पूरे ड्रम को हम किस तरीके से ओपन करते हैं, किस तरीके से हम बाहर निकालते हैं, जिससे कि आपको गियर बॉक्स चेंज करना हो, ड्रेन का कोई सिस्टम अगर समझ में नहीं आ रहा हो, वो सब कुछ इसमें बाहर निकाल के मैं आपको समझा सकता हूं और आपको भी बहुत आसानी हो जाएगी इस पूरे ड्रम को बाहर निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। वो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे क्या मेरे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहला दोस्तों इसको ओपन करने के लिए आपको ये जो पीवीसी का आपको पूरा कवर दिख रहा है, चारों तरफ से आपको कवर दिख रहा होगा, इसके हमें यहाँ से पेच खोल लेने हैं। जो आपको यहाँ पे ये वाले जो पेच हैं, आपको ये वाले यहाँ पे पेच मिलेंगे और एक पेच आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको हमें खोल लेना है, मतलब कि इसको हमें रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ये बाहर की साइड में को निकल जाएगा इस तरीके से। इसको जैसे ही आप यहाँ से इसको उठाते हैं तो यहाँ से ये इस तरीके से आपको ओपन मिल जाएगा, इस तरीके से पूरे का पूरा कवर हमारा ऊपर की साइड में को उठ जाता है। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा ओपन हो चुका है हमारा। और साथ में दोस्तों इस ड्रम को हमें बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नीला कलर का आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें हल्का सा इसको ऊपर उठाना पड़ता है और ऊपर उठाने के साथ साथ ही ये हमारा जो है बाहर की साइड में आ जाता है। अब यहाँ से आपको कनेक्शन भी खोल सकते हैं आप, लेकिन मैं इसके कनेक्शन नहीं खोलूंगा, आप भी ना खोलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन आपको हो सकती है अगर आप ये वाले कनेक्शन खोल देते, तो इसी को कनेक्शन भी लगे रहेंगे और साथ में हम इस ड्रम को भी बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों इस ड्रम को हमें निकालने से पहले आपको करना क्या है, जिस तरीके से वायर यहाँ पे बंधी हुई है इनको हमें पूरी तरीके से इस तरीके से खोल लेना है, जिससे कि जब हम इस ड्रम को ऊपर की साइड में उठाएं तो यहाँ पे ये वायर हमारी फंसे ना। अगर ये बंधी रहेंगी आपकी तो आप ड्रम बाहर नहीं उठा सकते, ये वायर हमारी फंसी रहेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रम जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो सारा मटेरियल जितना भी हमारी वायरिंग वगैरह है और यहाँ पे ड्रेन असेंबली है, टोटल हमारी इस ड्रम के अंदर ही सारी की सारी उठ के हमारी बाहर आ जाएगी और हम बहुत ही आसानी से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और साथ में मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, किस तरीके से गियर बॉक्स काम करता है, किस तरीके से ड्रेन का सिस्टम काम करता है, टोटल मैं इसमें खोल भी मैं इसीलिए रहा हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इस ड्रम को खोलने से पहले जितनी भी हमारी वायरिंग अटैच थी, जितनी भी इस तरीके से हमारी लगी हुई थी, बंधी हुई थी, सब मैंने यहाँ पे खोल दी है। अब आपको करना क्या है इस ड्रम को उठाने के लिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पाइप है या ये वाला पाइप मान लीजिए, ये पाइप हमारा सीधा नीचे की साइड में जा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें यहाँ पे फंसा हुआ है। इस पाइप को निकालने के लिए, इस पाइप को निकालने के लिए हल्का सा आप ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, ऊपर जैसे ही उठा देंगे, हल्का सा जैसे ही यहाँ से पकड़ के हल्का सा ऊपर को उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकल जाती है। ये दोस्तों इस तरीके से निकल गई, इसी तरीके से हम इधर वाली निकालेंगे, इसी तरीके से हम ये वाली निकालेंगे, हल्का सा ऊपर दबाव उठाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। हल्का सा दोस्तों यहाँ पे दबाव लगाएंगे, ऊपर की साइड में उठाएंगे, ये पत्ती भी साथ में ऊपर की साइड में उठ जाती है और इसी तरीके से निकल जाती है। अगर लगानी भी हो तो हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ये यहाँ पे फंस जाती है, पूरा लोड हमारा इसी पे रहता है, तो इसी तरीके से हम उठाएंगे और इसको हम निकाल देंगे। चारों जो हमारी पत्तियां हैं दोस्तों, चारों जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये वाली तो हमने दो निकाल दी हैं, इसी तरीके से हम ये वाली दोनों पत्तियां निकाल देंगे। ये दोनों पत्ती निकालने के बाद ये हमारा ड्रम पूरा फ्री हो जाएगा। अब आप फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चारों पत्ती हमारे निकलने के बाद ड्रम हमारा बिल्कुल फ्री हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे पूरा एकदम डिसबैलेंस हो चुका है, मतलब नीचे की साइड में हमारा गिर चुका है। अब हम इसको पकड़ के बाहर की तरफ को आसानी से उठा लेंगे। आप फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा हमने यहाँ से पूरी ड्रम था वो हमने निकाल दिया है और ये रहा दोस्तों हमारे पास ड्रम, पूरा ड्रम हमारे पास ये आ चुका है। सामने जो ऊपर का फ्रेंड था वो ये रहा दोस्तों। अब मैं आपको पत्ती के बारे में समझा देता हूँ, यहाँ पे पत्ती हमारी लोड रहता है पूरा, इसको निकालने का तरीका यही है, इसको आप हल्का सा ऊपर उठाएंगे निकल जाएगी। अब ये फंसी भी कहाँ रहती है दोस्तों, ये है ड्रम का जगह जहाँ पे ये पत्ती हमारी फिट रहती है। अब ये जो हमारा ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा ये हमारा इसके अंदर रहता है दोस्तों, ये यहाँ से
जैसे ही यहाँ पे ऊपर की साइड में लोड पड़ता है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फंसा रहता है। ऊपर ये यहाँ पे स्प्रिंग है दोस्तों, जिससे कि जब भी हमारा वाइब्रेट होता है तो ये स्प्रिंग हमारे कवर करते हैं, और ये हमारा लोड पूरे का पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर का जो आ रहा है यहाँ पे, इस पर पूरा लोड रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये ड्रम जो है किस तरीके से बैलेंस होता है, कहाँ ये अटका हुआ रहता है। अब दोस्तों ये रहा हमारे पास पूरा ड्रम, जिसमें कि मोटर हमारी है, गियर बॉक्स है, और ये हमारा ड्रेन मोटर है दोस्तों, और ये हमारा ड्रेन पाइप है दोस्तों। यहाँ पे टोटल इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, और यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से मोटर हम चेंज करते हैं, किस तरीके से बेल्ट चेंज करते हैं, किस तरीके से गियर बॉक्स चेंज करते हैं, किस तरीके से ड्रेन मोटर चेंज करते हैं, और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, टोटल मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक चैनल पर दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा दोस्तों वो इसी बारे में बनाऊंगा, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से गियरबॉक्स काम करता, टोटल मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा बारीक तरीके से। तो इसीलिए मैंने ये मशीन पूरी खोली है नीचे से, जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ और जो भी आप वर्क करते हैं वो अच्छी तरीके से कर पाएँ फुल ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फो के साथ, और दोस्तों जो मेरी वीडियो आएंगी तो कभी आपको वॉशिंग मशीन के रिलेटेड मिलेंगी, कभी आपको मोटर के रिलेटेड मिलेंगी, कभी इन्वर्टर के रिलेटेड मिलेंगी। इसी तरीके से मैं आगे सीरीज चलाता रहूँगा, और आपको पूरी वीडियो देखनी है फुल ऑटोमेटिक मशीन कैसे रिपेयर करते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद फुल ऑटोमेटिक मशीन के बारे में आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नई इन्फो के साथ, ओके बाय। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें।